सबसे पहले तो मैं आज आपके माध्यम से सभी नीचे करेंगे यार प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का जो दिन है वो दिन अन्याय पर न्याय की जीत का है। आज का दिन बहुत ही उत्सव का है। इस मौके पर मैं आज सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज आपने देखा है, मैं 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हूं और अभी आपने जनसुनवाई को भी देखा है। मैं कह सकता हूं कि जो भी प्रवादी आते हैं, आज मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और पहले से भी निर्देशित किया हुआ है कि जो हमारा गांव से क्षेत्र से प्रवादी आता है उनको तसल्ली से सुना जाए। मैंने आज कलेक्टर SDM को भी कहा है कि वो अपने यहाँ समय निर्धारित करें, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनका समाधान वही करें। वो छोटी समस्या हमारे लिए हो सकती है लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके लिए वो गांव से चल करके कितनी दूर से आता है। कुछ मैंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे केस हैं राजस्व विभाग के, जो अधिकारी मौके पर जाकर के उनको सुलझाने का काम करें जिससे कुछ बर्बादी को वहां तक नहीं आना पड़े। बातचीत के जरिए अगर वो करेंगे तो फाइलों का डिस्पोजल भी होगा और हमारे उस व्यक्ति को फायदा भी मिलेगा। इस तरह का निर्देश आज मैंने दिया है। मैं पुनः आप सभी को शुभकामना देता हूं। अभी मेरी संभाग की बैठक है, उसमें कुछ भरतपुर संभाग के इशूज हैं हमारे, उनको हम सभी को देखेंगे और उनकी आगे किस तरह से जल्दी उन कार्यों को करें इसकी योजना भी बनेगी और वो ठीक प्रकार से हमारे जो बजट हमने दिया है उसका लाभ जनता तक पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इसकी हम पूर्ण रूप से समीक्षा करते हुए जल्दी कराने का काम।